जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अली रज़ा व्लॉग। दोस्तों आज सुबह काफ़ी लाहौर में बारिश हुई है, तो जुम्मा था, ऊपर से मैं लेट आया हूँ आज इनको रोटी के भरा डालने के लिए। छत वगैरह साफ़ किया, साथ में सारे कबूतर ने नहाया। आज छत साफ कर रहा था तो मैं दाबड़े के अंदर ना पानी डाला, ये इन्होंने देखा कि पानी डाल रहा है तो जैसा भी ठंडा गर्म इन्होंने नहाने शुरू कर दिया। छत धोने वाला पानी था नलके का, तो खैर अभी कभी धूप निकलती है या देखें कभी चले जाती है, सूरज भी बस ऐसे ही है, कभी निकलता है कभी गायब हो जाता है बादलों में। तो ऊपर से जुम्मे का टाइम है, ये हमारी लाखी माथी उड़ गई थी तो अब थोड़ी सी नीचे आई है, अब अल्लाह खैर करे उसको नीचे उतार दो। फिर जुम्मे का टाइम है, जुम्मे की तैयारी भी करनी है, बस आ रही है नीचे पार छोड़ रही है, अल्लाह खैर करे आ जाएगी। इधर ये है, बाकी नीचे आती है तो फिर देखते हैं। आज काफ़ी लोगों ने कबूतर छोड़े और मौसम अच्छा है ना, इसी मौसम में छोड़ने लिया तो फिर कब छोड़ दे। साथ में लोगों ने बच्चे भी छोड़े हुए हैं। अब ये नीचे आती है, वेट कर रहा हूँ, ये आसमान चली गई थी तो कोशिश यही है कि जल्दी से नीचे आए, इनको बंद करूँ और फिर मैं अपना जुम्मे के लिए रेडी होकर जुम्मा पढ़ने जाऊँ। हवा भी काफ़ी तेज चल रही है, टाइम लेगी नीचे आने में। चलो थोड़ी सी नीचे होती है ना फिर शो करवाता हूँ आपको। ख्वाजा शहज़ादी आ गई है, ये जी दोस्तों हवा तेज है, कभी आगे जा रही है तो पीछे जा रही है। ये देखिए ये आबादी, बहुत वफादार आबादी है दोस्तों। बाकी दोस्तों अब अल्लाह खैर कर नीचे आने वाली है, नीचे आती है तो फिर शौक बात करता हूँ इसको, इंशाल्लाह इसका बहुत जल्द आपको शौक भी करवाऊँगा, इसकी ना वीडियो बना के वीडियो में अटैच करूँगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं फिर शाम का टाइम, शाम को फिर दाना पानी करने का टाइम आऊँगा मैं, उस टाइम लोग थोड़ा सा आपको अटैच करूँगा साथ में, तो फिर इंशाल्लाह बाकी अपडेट बाद में दी जाएगी। पानी वगैरह मैं ले आऊँ यार, एक स्ट्रैटेजी ये हो गई है, ये देखिए ये तीनों सुरखे उड़ रहे हैं, इस काले के साथ जो मैंने गोल्डन माथी लगाई थी ना वो भी कटी हुई पीछे चली गई है यार उड़ के। मौसम ठंडा, सुबह भी उड़ी है लेकिन ये है कि माउंटेन के ऊपर बैठ गई थी, लेकिन अब ये है कि वो पीछे चली गई, अब आ जाएगी अल्लाह खैर करे इनको देख के ना। यार अब उसने टाइम लगा देना, है भी कटी हुई माथी है, दाना डालने वाला दाना डालता हूँ इनको, आगे हो सकता है वो आगे और सफर करो रे, बैठी वो माउंटी के पीछे हुई है, कटी है दोस्तों, कटी ना होती चलो आगे नहीं होती। बाकी दोस्तों सुबह जो आपने लाखी माथी देखी थी जुम्मे का टाइम ये उड़ती हुई, इसका शौक देख के कैसा लगा आपने कमेंट में लाजमी बताना है। दोस्तों वो कटी हुई माथी है, वो बैठ भी वो पीछे गई है, ये छतों के पीछे, अल्लाह करे अब आ जाए, जैसे किसी उधर पीछे भी कबूतर उड़ रहे हैं ना वो है दोस्तों, ये यार आ जाए इधर, आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी, अल्लाह खैर कर। आ जाएगी आ जाएगी, जाती नहीं है कहीं, ओए शिट यार पीछे बैठ गया फिर वो ना उधर आएगी, इधर से दिखाता हूँ आपको दोस्तों। बाकी परिंदे दाना खा रहे हैं, दाना खा के आते हैं,
फिर मैं दिखाता हूँ, इधर बैठी हुई है वो, बैठ गया दोस्तों माउंटेन के बैक साइड पे। आज ही गिल्ला खा रहे, ये टैंकी के बैक साइड पे बैठी है वो कैमरे के पास। आ आ आ आ आ मौसम भी वैसा ये तो आ चल रही है, कबूतर ऐसे चले जाता है निकल जाता है। ये बैठी हुई है दोस्तों, आ गई है सामने। आ 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 परिंदे बाहर आके बुलाता हूँ ना। भूखी है ये, देखिए आ जाएगी दोस्तों। ये आ गई दोस्तों, चला जा, कटी हुई है उस रही नहीं हो रहा उसे। आ जा चल मार जोर, ये देखो यार, आ जा आ जा आ जा आ जा, आ गई है दोस्तों माशाल्लाह से। यार ये बड़ी मादियाँ हैं, इसको मैं ना 10 पर सार नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है ये उड़ती हैं ना फिर लंबी चली जाती हैं, आसमान में चले जाती है। जिस तरह ये एक बार ये भी उड़ी है, अली बड़ी मादी ये भी है कि ये भी आसमान चले जाती है, फिर इनका टाइम लग जाता काफ़ी। तो ये लाखी मादी है ना, ये कोई घंटा भी घूम के आ जाए ना, घंटा डेढ़ घंटा, तो ये कि इसकी वापसी बहुत तेज़ होती है, जल्दी 10 मिनट नहीं लेती है, आसमान से नीचे आ जाती है छत के ऊपर। और ये जो मादियाँ ना, हर नस्ल का अपना हिसाब होता है ना, तो ये फिर जब उड़ती हैं ना, फिर ये नीचे गेड़ा लगाते लगाते कोई आधा पौना घंटा घंटा ले जाती हैं, आसमान से आना तो बड़ी दूर की बात है। फिर इनकी प्रवास भी है, ये तकरीबन को 3-4 घंटे आराम से ले जाती हैं, इसलिए मैं इनको ज़्यादा पानी दे रहा, चलो हल्के फुल्के दिए हैं, अगर कभी उड़ भी जाए ना, जिस तरह अभी उड़ गई ये मादी आपके सामने, तो ये वापस आ गई है। क्यों पुरानी मादियाँ ये, और मादी कभी जाती नहीं है घर से। बाकी ये कबूतर किसी का है, चला गया दोस्तों, ये चेक करें, ये जा रहा है, पता नहीं किसका है किसका नहीं। ले जी दोस्तों, आज की वीडियो का ये बयान करते हैं, तो मिलते हैं फिर किस नेक्स्ट वीडियो में। अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।